मैं सार्वजनिक जीवन में लगभग 40 साल से हूँ होश संभालते ही, और 31 साल से तो मैं सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री हूँ। मैंने जनता की आंखों में जैसा प्यार और विश्वास मोदी जी के लिए देखा, भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसी विश्वास के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जनता आज भाजपा के साथ खड़ी है। टीएमसी के कुशासन से लोग तंग आ गए हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, और उनको पता है दीदी के तोलाबाजी टैक्स से, कट मनी से, भ्रष्टाचार से, सब तो कुछ तो खा गई दीदी और दीदी की टीएमसी। राशन तक नहीं छोड़ा, त्रिपाल तक नहीं छोड़ा, कोयला तक नहीं छोड़ा। अब जनता त्रस्त है, और हिंसा के कारण बंगाल को रक्त स्नान कराया है ममता दीदी ने। 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए जनता अब यह संकल्प कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और दीदी को विदा करना है। जिस तरह से ममता दीदी आरोप लगा रही हैं कि 8 फेज पे जो चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में, इससे कम सीट भी कम होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं, लेकिन चुनाव का फेज वो कम होता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाना कि कहीं ना कहीं वो मोदी अमित शाह जी के इशारे पर इस तरह के चुनाव की घोषणा की है, दिनों की जो घोषणा के बारे में। ये आरोप दीदी नहीं लगा रही, दीदी का डर लगा रहा है। समझ चुकी है कि अब तो गए तो हार का ठीकरा और कहीं फोड़ने की यह कोशिश है। ममता दीदी खुद ही पहले कहती थी 6 चरणों में चुनाव कराओ, 7 चरणों में चुनाव कराओ, और अगर शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कोई फैसला लिया तो ममता दीदी क्यों बौखला रही है? चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव अहिंसक और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए चुनाव आयोग जो जरूरी समझता है कदम उठाता है, लेकिन चुनाव आयोग के कदमों से भी दीदी को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ सत्ता के बाहर जाने की तकलीफ। सर, जो भी लीडर्स बाहर से आते हैं, चाहे दिल्ली से हो, जैसे मध्य प्रदेश से हो, उनका एक ही कहना होता है कि बहिरागतों, बाहर से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनकी इस कमेंट? अरे, हम केवल बंगाल में थोड़ी आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही हैं। हम महाराष्ट्र गए, हम कर्नाटक गए, हम केरल गए, अभी भी जाएंगे, हम असम जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश गए, हम गुजरात गए, हम गोवा गए, हम राजस्थान गए, हम उड़ीसा और बिहार गए। ये कौन सी बात हुई बहिरागत? हम सब भारत माँ के लाल। और जहाँ तक बंगाल के कार्यकर्ताओं का सवाल है, हमारे कार्यकर्ता बड़े तेजस्वी हैं, बहुत टैलेंट है उनमें, बहुत क्षमता है। चुनाव तो बंगाल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और बंगाल पर राज भी बंगाल के कार्यकर्ता ही करेंगे। वो तो मैंने कहा ना, बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे, कुछ तो बहाने बनाओ। बहिरागत, हम कहे के बहिरागत? हम सब भारत माता के बेटे हैं। जिस तरह से सर अटैक हो रहे हैं लगातार, पहले आपने देखा हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है उनके गाड़ी पे अटैक, फिर 2 दिन पहले ही जितने भी रथ हैं उनके ऊपर भी तोड़फोड़ किया गया है जो रखा हुआ था, तो वायलेंस को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहना चाहेंगे आप एज मुख्यमंत्री भी? कब तक हिंसा दीदी, कब तक तोड़फोड़? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। और मैं आज कह रहा हूँ, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। ममता दीदी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। बंगाल के विकास की सुहानी सुबह अब आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। किस तरह से इस बार का चुनाव को आप लोग देख रहे हैं बंगाल में, क्या आप लोग लगता है कितने सीटों में आप बंगाल में बीजेपी आने वाली है? बंगाल में चुनाव नहीं है, ये परिवर्तन का महायज्ञ है, ये विकास का महायज्ञ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे नेता मोदी जी, उनके पीछे बंगाल खड़ा है, अमित शाह जी, नड्डा जी, यहाँ दिलीप घोष जी और हमारे बाकी कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे हैं। अद्भुत वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार। सर, लास्ट, जिस तरह से आज देखा गया कि एक भारतीय जनता पार्टी माता जी के ऊपर अटैक किया गया है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो पॉलिटिकली कनेक्शन रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमजोर और कायर ऐसे हमले करते हैं, ये पराजय की मानसिकता है, जो बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा जा रहा, ये अन्याय की अति है और इस जुल्म का समापन होकर रहेगा। खेला हबे, बहुत बड़ा एक स्लोगन, ये खेला है इनका, हिंसा का।
आतंका, राशन खाने का खेला, कोयला खाने का खेला, चिटफंड कंपनियों में पैसा खाने का खेला, अब दीदी का ये खेला खत्म हो रहा है। और इसलिए दीदी कह रही खेला होबे, खेला होबे, खेला नहीं होगा दीदी, तुम्हारा खेल खत्म होगा।